ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਸੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਫਿਸ ਗਿਆ ਤਾ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ। ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ? ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਮੇਰਾ पहले जो दिन था वो बायोमेट्रिक था और 10 दिन के बाद इंटरव्यू था। 10 दिन? हां जी, ये भी ध्यान रखो भी कभी-कभी होता है भी इंटरव्यू अपनी 10 दिन बाद होती है बायोमेट्रिक के, तो बाद नेक्स्ट 10 दिन तो मैं तो स्टे था मेरा, तो यू रिलेटिव्स थे उधर। ओके, तुम के घर भी रह गया था मैं। ओके, और के-के क्वेश्चन पूछे थोनू? तो थोड़े पहले बैंड स्कोर दसो कितने थे? हां, थोड़े बैंड स्कोर 7.5 बैंड है मेरे। 7.5 बैंड स्कोर सी के ओवरऑल? ओवरऑल 7.5 और शायद दो मॉडल में 7.5 और दो मॉडल में 6.5 है। ओके, तो इसके बाद फिर वहाँ पे गया मैं, तो बायोमेट्रिक तो भी मिली। ओके, वो खत्म होने के बाद जैसे मैं थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था क्वेश्चंस की। ठीक है, सारे तरह के क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे। ओके, तो जैसा फिर मैं वहाँ पे गया एम्बेसी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा नाम पूछा। ओके, नाम पूछा ना था? हाँ हाँ, हाय हेलो किया, वो हो गया। ओके, बस उसके बाद फिर मेरा पासपोर्ट रख लिया बस। हाँ, और एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा था मेरे को। कौन सा था? कि आर यू फॉर अंडरग्रेड? ओके, सो तो ये लोग का वो बिलीफ है कि अंडरग्रेड तो जाएगा तो 4 इयर्स के लिए ही होगा। मास्टर वाले उसको ज्यादा पूछ रहे हैं लोग क्वेश्चन। या मास्टर की क्वेश्चनिंग डिफरेंट होती है थोड़ी। हाँ, क्योंकि वो 2 साल के लिए जाएंगे ना। या तो और उनके बाद उनका क्या करेंगे? और ग्रेजुएशन वालों को तो वीजा ही 5 साल का होता है। 4 साल की तो स्टडी है ना। 1 साल की ओपीटी हो जाएगी और उनके पास फीस भी आ रही है, वो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं कर रहे। सिर्फ इतना पूछा, भाई आर यू अंडरग्रेड? यस। मैंने मेरा पासपोर्ट रख लिया। Okay. उसके बाद तो मेरे को फिर समझ में नहीं आ गया भाई क्या हुआ। अच्छा। मेरे को लगा कि रिजेक्ट कर देगा, क्या कर रहा। हाँ। फिर मैं तो घूमता रहा ऐसे। अच्छा। वहाँ पे बाजू में कुछ पास में कुछ चल रहा था। okay. वो क्या मालूम इवेंट वगैरह? हाँ, इनका इवेंट ही चल रहा था सब। okay. वहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे थे। अच्छा। तो मेरे को भी पूछा कि भाई आपको क्लिक करवानी फोटो, आपको एक्सपीरियंस है? तो मैं तो उस टाइम घबरा गया था कि मुझे कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा। अच्छा। कि भाई क्या हुआ। ओके, सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछा। हाँ, okay. जैसा बाहर निकला ना तो एक लड़की घूम रही थी। अच्छा। तो मैंने फिर सोच आके पूछा कि भाई मेरे साथ इस तरह से हुआ है, मेरा पासपोर्ट रख लिया ना, मेरे को क्वेश्चन किया। ओके, तो उसने बोला कि देयर यू आर सिलेक्टेड। आई थिंक ये हुई है ना अपनी प्रोफाइल बेटर होने की वजह से है ना, क्योंकि हमारे बैंड स्कोर भी अच्छे थे और यूनिवर्सिटी भी बढ़िया थी है ना, पूरी रेलेवेंसी थी है ना। तुम्हारा जो फंड है वो वैल्यू करता है। फंड्स थे, फंड्स तो वैसे चेक भी नहीं किए होंगे उन्होंने? कुछ चेक ही नहीं किया। कुछ भी नहीं चेक किया ना। सो ऐसे भी होता है, सो घबराना नहीं इसकी तरह, बट ऐसे भी होता है। इमिग्रेशन पे भी आना ही था अगर यूएस के अंदर। हाँ हाँ, इमिग्रेशन तब भी मेरे को तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने I-20 देखा। ओके, और उसमें भी मेरे को एक क्वेश्चन इतना पूछा कि वेर यू गोइंग टू स्टे? ओके, तो आप ऑब्वियसली ऑन कैंपस बोलोगे, तब तो आपको ऑन कैंपस ही बोलना होता है। या, या, या। नहीं तो फिर वो लोग थोड़ा कुछ अलग सोचते हैं। मेरे साथ हुआ था, मैं बाद में बता दूंगा किसी वीडियो में। तो फिर मैंने बताया कि मैं तो ऑन कैंपस ही रहता हूँ। ठीक है, कि ऑन कैंपस ही रहूंगा। फीस भी पेड बताई थी मैंने। ओके, तो उसके लिए फिर उसका नहीं, वो तो बात ही कर। ठीक है, अपना प्रोफाइल देख के अपना पासपोर्ट रख लेंगे, अपना वीजा इशू हो जाता वा। ये भी एक्सपीरियंस है। मैं अगले कैंडिडेट ना मिलाना वा। मेरी बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू दोनों ही चेन्नई थे, एक हफ्ते के गैप में। ओके, सो आपका वीजा अप्रूव हो गया है ना। सो एक ये भी बात है इसमें, भी कई बोलते हैं ना मुंबई ज़्यादा वीजे आते हैं, मैं पंजाबी बोला। ओके, कई बोलते हैं मुंबई ज़्यादा वीजे आते या दिल्ली आते या चेन्नई है ना। डजन मैटर, मैटर करता थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता वा, बट देखो थोड़े सामने चेन्नई वीजा अप्रूव हो गया, वो जक्की का दिल्ली सीगा, मेरा मुंबई सीगा है ना। सो वही देखो प्रोफाइल पर डिपेंड करता, प्रोफाइल वधिया सीगी ते वीजे आ गए। ओके, नेक्स्ट अगे तो वीजा अप्रूव कर रही थी वो, तो मैं सोच रहा था कि उनके पास चला जाऊंगा। और ये होता है करेक्ट, मतलब कुछ ऑप्शन तुम्हारे पास कि तुम अपना थोड़ा कॉन्शियस होके वहाँ ध्यान देके एनवायरनमेंट का तुम जा सकते हो, अपनी लेन चेंज कर सकते हो। तो तुम अगर थोड़ा ध्यान दोगे, और मैं बैठा था वहाँ पे। सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था ना, भी जब मैं इंटरव्यू देने गया, जब मैं इंटरव्यू देने गया तो उतने ना मेरी जी वारी आ, मेरी टर्न आ, एक ब्लैक नजीरियन को आ गई थी। सो उन्होंने मैं देख रहा थी वो कॉन्सटेंटली ना वीजा लाइक रिजेक्ट कर रहा है, ईवन किसी ने बहुत सारी क्वेश्चन पूछने तो बाद भी रिजेक्ट कर रहा है। सो मैंने लगे भी नहीं, इतने सेफ नहीं। सो मैं उन्होंने जान के एक्सक्यूज़ किया, मैं बहुत वॉशरूम जाना है ना,
ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਆਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਟਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੇ ਬਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁਝਸੇ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਿਆ I-20 ਮੰਗ ਲਈ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਸਮੇ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਤਾ ਆਪ ਕਿਆ ਬਤਾਤੇ ਹੋ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਨੇਮ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ ਮੁਝੇ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਝੇ ਹਮੇ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਐਸਾ ਕੁਝ ਬਤਾਓ ਜੋ ਹਮੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੋਰ ਦੱਸ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਓਕੇ ਦੈਨ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲਸ ਬਤਾਈ ਜੋ ਕਿ ਥੀ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਬਟ ਉਨਕੇ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਉਹ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਤਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸਸੇ ਉਹ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਛੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਡਿਊ ਥੀ ਔਰ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਝਸੇ ਪੁੱਛਾ ਕਿ ਆਪਕੀ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ 12th ਅਸਿਊਮ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ 2020 ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 2021 ਮੈਂ ਕੀਆ ਮੈਨੇ ਮੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝਸੇ ਸੀਜੀ ਪੇ ਪੁੱਛੀ ਓਕੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ CTS ਨਾਮ ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਥੀ ਮੁਝਸੇ ਜਿਸਕਾ ਮੁਝੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਓਕੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਦੈਟ ਮੈਮ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਨੇ DS-160 ਭਰੀ ਹੈ ਤੋ ਬਟ ਮੁਝੇ ਸਟਿਲ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਥਾ ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਮੈਮ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਬਟ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਸੇ ਆਪਕੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ ਏਜੰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਆਪਨੇ ਬਸ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੋਲ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਹਨਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹਨਾ ਤੋ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯੈਸ ਕਹਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨੋ ਕਹਤਾ ਹਨਾ ਸੋ ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਹਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਓਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਰਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਓਕੇ ਕੋਰਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਾ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਆਪਕੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ ਓਕੇ ਤੋ ਮੈਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਿਆ ਹੈ ਹਾਂ ਯਾ ਮੈਨੇ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਓਕੇ ਤੋ ਮੈਨੇ ਬਤਾ ਦਿਆ ਉਹਨੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਿ ਆਪਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਮਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਆਪਕਾ ਵੀਕ ਮੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਕਾ ਹਾਫ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦੋ ਓਕੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਡ ਗ੍ਰੀਨ ਸਲਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਵਾਈਟ ਸਲਿਪ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਸੋ ਨਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ